सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डिशवॉशर में एक ऑप्शन होता है हाफ लोडेड। उस हाफ लोडेड का मतलब क्या होता है एंड जब हम डिशवॉशर में हाफ लोडेड मोड ऑपरेट करते हैं तो वो किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर एंड आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक पर भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, काफी सारी क्वेरीज थी कि हाफ लोडेड का मतलब क्या होता है एंड किस तरीके से हाफ लोड में डिशवॉशर में वर्क किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है हाफ लोड का मतलब। हाफ लोड का मतलब ये होता है, जैसे कि आप मेरे पास में डिशवॉशर देख रहे हैं तो मैं इस डिशवॉशर को ओपन करती हूँ। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें दो चैम्बर्स है, एक ऊपर की तरफ है, ये एक ऊपर की रैक है एंड एक ही नीचे की रैक है। हाफ लोड का मतलब सिंपली ये होता है कि अगर आपके पास में ज्यादा बर्तन नहीं है तो या तो आप उसको ऊपर की रैक में कम्प्लीटली उसको रख दें एंड नीचे की रैक आपकी खाली रहेगी, और या फिर आपकी नीचे की रैक में आप उसको कम्प्लीटली अपने बर्तनों को यूटेंसिल्स को प्रॉपरली लोड कर दें एंड ऊपर की रैक आपकी खाली रहेगी। मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि डिशवॉशर में फैंस होते हैं, डिशवॉशर में इस तरीके से स्प्रिंकलर्स होते हैं, जिससे देखिए आपका ये जो आर्म्स हैं वो रोटेट, जो मैं कर रही हूँ यहाँ से पानी आता है, और सेम ऊपर भी एक मूवेबल फैन है जो आप देख सकते हैं आर्म है, जो पानी सर्कुलेट करता है पूरे डिशवॉशर में। अगर हम हाफ लोड करते हैं, सपोज अगर हमने इस ऊपर वाली रैक के ऊपर अपने बर्तन यूटेंसिल्स कर दिए तो जो पानी हमारा फुल लोडेड में, हमारा ओवरऑल पानी जो है होता है वो पूरे डिशवॉशर में जाता है। हाफ लोडेड में सिर्फ ऊपर की तरफ ही या जहां पर भी आपने, जिस भी रैक में आपने बर्तन लोड किए, जैसे सपोज मैंने इस वाली रैक में, ऊपर वाली रैक में अपने सारे बर्तन लोड कर दिए, बस मैं हाफ लोड का मोड ऑन करूंगी तो जितने भी मेरे बर्तन होंगे वो अच्छी तरीके से धुल जाएंगे एंड पानी जो होता है या डिटर्जेंट जो होता है वो डाइवर्ट नहीं होगा सब जगह पर, वो कॉन्सेंट्रेट करेगा इसी रैक पर। सेम इस पर भी होता है अप्लाई। आप ये नीचे के आर्म्स देख रहे हैं, सो अगर मैंने इस वाली रैक में, नीचे वाली रैक में अपने बर्तनों को लोड कर दिया अच्छी तरीके से और ऊपर वाली जो मेरी रैक है वो बिल्कुल खाली है और हाफ लोडेड मोड ऑन कर दिया, तो जितना भी मेरा डिटर्जेंट होगा, जितना भी पानी होगा वो इसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट होगा। जितना भी पानी यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस हाफ लोडेड चैम्बर में यूज होगा। जो भी चैम्बर आप चूज करना चाहें, आप ऊपर का चूज करना चाहें, आप नीचे का चूज करना चाहें, आप कोई भी चैम्बर यूज कर सकते हैं अगर आपको हाफ लोडेड मोड यूज करना है डिशवॉशर में। यहाँ पर मैंने डिशवॉशर को बंद किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हाफ लोड ऑप्शन दे रखा है। तो सपोज मैंने यहाँ पर पावर ऑन की है और मैंने किसी भी लेवल पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर और लोअर लेवल लिखा हुआ है, अगर मैंने अपर में अपने बर्तन इनपुट किए और फिर उसके बाद में मैं हाफ लोड को इस तरीके से दबा दूंगी, अभी मैंने बर्तन लोड नहीं किए इसलिए वो ऐसा साउंड कर रहा है। अगर मैंने लोअर चैम्बर में बर्तन इनपुट किए उसके बाद में मैं हाफ लोड को दबा दूंगी एंड देन फिर मैं कोई सा भी मोड चूज कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, ये था हाफ लोड मोड के किस तरीके से हम हाफ लोड मोड को यूज कर सकते हैं अपने डिशवॉशर में। एंड अगर मैं आपको बोलूं कि हाफ लोड मोड ज्यादा प्रेफरेबल है या फुल लोडेड डिशवॉशर, सो आई वुड सजेस्ट कि आप फुल लोडेड डिशवॉशर को ही यूज करें। हाफ लोड डिशवॉशर इज नॉट एग्जैक्टली फ्रूटफुल, क्योंकि एक तो आपकी ऊपर या नीचे की जो भी आप रैक में फिल करेंगे अपने बर्तनों को वो वेस्ट जाएगी, और साथ साथ में आपका पानी भी ज्यादा यूटिलाइज होगा और आपका डिटर्जेंट भी यूटिलाइज होगा। अगर आप उसको पूरा का पूरा लोड कर देंगे देन आपका डिटर्जेंट भी कंपैरेटिवली कम यूज होगा। इनफैक्ट आप अगर टैबलेट यूज कर रहे हैं तो फिर आपकी कंप्लीट एक टैबलेट भी हाफ लोडेड में जाएगी। अगर आप फुल लोड करेंगे तो भी आपको एक टैबलेट इनपुट करनी है। सो माय सजेशन इज, आप जब भी डिशवॉशर को यूज करें तो अपने बर्तनों को फुली लोडेड करें। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स मेरे साथ में प्लीज कमेंट करना ना भूले एंड मेरी वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले।